रत्नागिरी का आता है अल्फांसो आम है, सबसे महंगा आम। ये अल्फांसो जो आम आता है पीस के हिसाब से बिकता है, जैसे कि रत्नागिरी का जो आम होता है तोल के हिसाब से कम और दर्जन के हिसाब से ज़्यादा बिकता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन आमों में। हाँ, इन आमों का जो टेस्ट भी होता है सब आमों से अलग होता है, बहुत मीठा मीठा आम। और आप इधर आ जाओ, एक ये आम होता है सफ़ेदा, ये लखनऊ का है सफ़ेदा, मलियाबाद का जो बोलते हैं सफ़ेदा डींगा सेहत कुप्पी, इसका जो रेट होता है 50 से लेकर 100 रुपये किलो तक होता है, 50 से लेकर 100 रुपये किलो तक का रेट होता है इसका। ऊपर आ जाओ दशहरी आम हो गया, ये लखनऊ का दशहरी है, ये 80 रुपये किलो से लगा के 120 रुपये तक बिकता है। अब नीचे आ जाओ, ये लोकल का दशहरी है, ये 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो जो आम बिक रहा ठेलों पर आजकल। एक ये आ जाओ हिमसागर, हिमसागर की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर रेसे या धागे नहीं होते। ये आम ऐसा होता है कि बहुत ही जानदार, मैंगो शेक बना लो आप, छोटे बच्चे को चमची से काटे खिला दो ऐसे ही खा लेगा, छोटे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद आम होता है, इसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा है। और ऊपर आ जाओ ये वाला केसर, केसर गुजरात का आम है, गुजरात के अंदर जो केसर आम बहुत फेमस होता है, इसकी खुशबू भी अलग होती है। एक इधर आ जाओ आप, ये आपका चौसा हो गया, लखनऊ का चौसा है, ये अपने यहाँ का लोकल का चौसा नहीं है। रेट इसके बताऊँ भाई, ये बगैर रेट के चलेगा, रेट जो है इसके भाई चौसे के, अब तो नॉर्मल रेट है बंदा आम का तो 80 रुपये किलो चल रहा है, और जब आम ख़त्म हो जाते हैं 400-500 रुपये किलो 600 रुपये किलो तक बिकता है। अब इधर आ जाओ, ये वाला एक चौसा है, ये भी चौसा है, वो भी चौसा है, ये लोकल है, वो लखनऊ का है, इन दोनों में स्वाद का फ़र्क हो जाएगा, गुठली का फ़र्क हो जाएगा, गुठली इसकी थोड़ी मोटी मिलेगी, उसकी थोड़ी बारीक मिलेगी, स्वाद में थोड़ा हल्का हल्का सा फ़र्क मिलेगा। 1920। इधर आ जाओ, ये लोकल दशहरी है। एक ये वाला हमाम, हमाम है ये आम, ये हमाम जो आता है ये बाहर का आता है, हैदराबाद साइड का आता है हमाम आम, परली तरफ रटोल आम लगा हुआ, रटोल जो मेरठ का फेमस आम है। इधर आ जाओ, इसको बोलते हैं जाफरान आम, जाफरान जो आम होता है अपने यहाँ का यूपी का नहीं होता, जाफरान जो आम होता है रत्नागिरी का होता है। ये आम ऐसा होता है खाने में, दशहरी चौसा इनसे अलग टेस्ट होता है, हल्का खट्टा हल्का मीठा, जो फ्रूटी में जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्फांसो आम होता है, जो आपको सबसे पहले शुरू में दिखाया था, अल्फांसो आम की ही फ्रूटी बनती है। मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम अली है, मेरे बाग भी है, मेरे बाग भी है, और अपना कुछ लोकल का कुछ मंडी का अपना वेराइटियाँ बनाते हैं, दुकान पर लगाते हैं। दिल्ली के जो लोग बाग यहाँ को निकलते हैं वे हमारे से आम खरीदते हैं, और हमारे यहाँ पर वेराइटियाँ जो एक से एक होती है। कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते, अगर आप हमारे पास कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 98-70-88-70-12 मेरा नंबर है, और मैं मेरठ का ही खास रहने वाला हूँ। ये भैया हैं, इनका आम के बाग हैं यहाँ पर मेरठ में, काफ़ी बाग हैं, आप यदि आम के बगैर डायरेक्ट लेना देना चाहें तो इनसे ले सकते हैं आप, बागों से आम। ठीक है भैया, ये आम वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी है। और आप कहीं भी कोई सी वैरायटी का आम मंगवाना चाहोगे आप हमारे से, वो वैरायटी आपको मेरी दुकान पर मिल जाएगी। पहले मेरा नंबर है, कॉल करके मुझे बताना होगा कि ये वैरायटी मुझे चाहिए, वो वैरायटी आपको यहीं उपलब्ध मिलेगी। और अगर आप कहोगे कि ये आम हमें हमारे घर पे ही चाहिए तो आपके घर ही पहुँचाएंगे, लेकिन क्या है उसमें आपको किराया भी चार्ज अलग लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। वैरायटी जेन्युइन होगी, पसंद ना आए तो वापसी कर देना। इसकी इस आम की फ्रूटी बनती है, सबसे महंगा आम यही है, देखने के लिए छोटा है रत्नागिरी, इसमें बहुत खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा आम है, बहुत छोटा आम, आम जरूर छोटा है मगर इसके खुशबू बहुत अच्छी है देखने के लिए। ये रत्नागिरी का अल्फांसो आम बोलते हैं, लेकिन अल्फांसो जो आम आता है शुरुआत में आता है, लेकिन हमारे पास चल रहा है अभी, ये आम जल्दी से मिलता नहीं है, एक्सपोर्ट हो जाता है रत्नागिरी से, 12 आम का डब्बा आता है इसका, लेकिन हम ये तोल से बेचते हैं 400 से लेकर 500-600 रुपये तक, 400-500 रुपये किलो का आसपास जाता है इसका। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और भैया से कॉन्टैक्ट करें यदि आम लेना चाहते हैं, मेरठ से मंगवाना चाहते हैं, डायरेक्ट बाग से लेना चाहते हैं, इनके काफ़ी बाग हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।